व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ डिस्कसिंग लॉ गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ लीगल बट बिफोर स्टार्टिंग यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स डू शेयर दिस वीडियो विद फॉरगेट टू कमेंट योर फीडबैक सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन अब ये लीगल एथिक्स क्या है सो लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 के अंडर चैप्टर 12 में हमें कुछ रूल्स वगैरह बताए गए हैं वट इज द कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट हाउ एन एडवोकेट शुड बिहेव सो इस चैप्टर के अंदर हमें फोर कैटेगरीज बताई गई हैं कि एक एडवोकेट का रवैया किसके साथ किस तरह से होना चाहिए सो so, रूल वन से रूल वन तक कंडक्ट ऑफ एडवोकेट को एक्सप्लेन किया गया है और इन फोर कैटेगरीज में कौन कौन इंक्लूडेड है कि एक एडवोकेट के दूसरे एडवोकेट की तरफ क्या रवैया होना चाहिए कोर्ट की तरफ कैसे बिहेव करना है क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करना है और जनरल पब्लिक की तरफ एक एडवोकेट का रवैया कैसा होगा सो so, हम वन बाय वन इन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में हम एक एडवोकेट का कंडक्ट दूसरे एडवोकेट के साथ डिस्कस करेंगे कि उस एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट के साथ किस तरह से बिहेव करना है सो so, रूल 134 से रूल 144 एक्सप्लेन करता है कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट्स सो स्टार्टिंग फ्रॉम रूल 134 रूल 134 कहता है इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अप एडवोकेट की सबसे पहली ड्यूटी बता दी गई है कि एडवोकेट की यह जिम्मेदारी है कि उसने हर वक्त अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेनटेन रखना है अपने प्रोफेशन के वकार को मलहूज खातिर रखना है यानी कि एक एडवोकेट का बिहेवियर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उसके प्रोफेशन के ऊपर किसी भी तरह की कोई बात आए लड़ाई झगड़े में उसने अपने आप को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि फिर ये नहीं कहा जाएगा कि एक बंदा लड़ रहा है बल्कि ये कहा जाएगा कि एक एडवोकेट ने दूसरे बंदे के साथ झगड़ा किया मीन्स टू से एक एडवोकेट ने अपने आप को किसी किस्म की कोई इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करना जिससे उसके प्रोफेशन के ऊपर बात करने का मौका मिल जाए बाकी लोगों को और साथ ही साथ एज वेल एज रखना है क्योंकि अब वो एडवोकेसी के प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा है वो एक एडवोकेट है अपने प्रोफेशन के साथ साथ उसने अपनी डिग्निटी को भी maintain रखना है उसके बाद है रूल 134 Sorry, 135 Rule 135 रूल क्या कहता है एन एडवोकेट शेल नॉट सोलिसिड प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय एनी अदर मींस अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है कि एक एडवोकेट जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा यानी कि एक एडवोकेट अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बड़े बड़े इश्तिहार नहीं लगाएगा बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगाएगा जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे डॉक्टर्स का प्रोफेशन है तो डॉक्टर्स ने अपने बैनर्स लगाए हुए होते हैं उस पर लिखा हुआ होता है कि ये जो डॉक्टर है ये जिगर के अमराज वगैरह में माहिर है फलां डॉक्टर अच्छा न्यूरो सर्जन है फलां अच्छा ऑर्थोपीडिक्स है फलां बेस्ट डेंटिस्ट है लेकिन एडवोकेसी के प्रोफेशन के अंदर एक एक एडवोकेट ने अपने बड़े बड़े बैनर्स लगाकर उस पर ये नहीं लिखना कि के फलां केस इतने में फलां केस इतने में बेल अगर हम कर रहे हैं तो वो इतने पैसों में कर रहे हैं रूल वन कहता है एक एडवोकेट ने ऐसा कुछ भी नहीं करना फिर आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है बट दिस क्लॉज शेल नॉट बी कंस्ट यूज ऑफ ऑर्डनरी प्रोफेशनल कार्ड लेकिन ये जो क्लॉज है ये आपको visiting card बनाने से नहीं रोक सकती. यानी कि एक advocate अपना बनवा सकता है. उसके ऊपर वो अपनी academic qualifications लिख सकता है अपना office का address, अपना का लिख सकता है. लेकिन वो बड़े बड़े बैनर्स लगाकर अपने प्रोफेशन को एडवर्टाइज नहीं कर सकता उसके बाद आ जाए तो रूल वन कहता है एन एडवोकेट शेल नॉट इम्प्लॉय एनी अदर पर्सन To solicit or obtain professional employment. अब एक एडवोकेट किसी दूसरे बंदे को एम्प्लॉय नहीं करेगा एक एडवोकेट के पास अपना केस आया वो किसी और बंदे को ये नहीं कहेगा कि तुम इस केस को जाकर कोर्ट में रिप्रेजेंट करो ना ही रिमोनरेट अनदर पर्सन फॉर सॉलिसिटिंग और ऑप्टेनिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम ना ही किसी दूसरे बंदे को पैसे वगैरह देकर कहेगा कि तुम मेरे लिए केसेस वगैरह लेकर आओ नॉर शेल ही शेयर विद एन अनलाइसेंस्ड पर्सन एनी कम्पन्सेशन अराइजिंग आउट ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट और ना ही वो किसी अनलाइसेंस पर्सन को किसी भी जो जाली वकील है जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको आप कोर्ट में भेज देते हो कोई भी केस डील करने के लिए और साथ ही साथ नॉर शेल ही एड और अबेट एन अनलाइसेंसड पर्सन टू प्रैक्टिस लॉ और टू रिसीव कंपनसेशन ना ही वो उस अनलाइसेंस पर्सन की किसी भी तरह की हेल्प करेगा या उसको अबेट करेगा कि वो कोर्ट में जाए और वो भी वकील बने और वकालत के प्रोफेशन को आगे लेकर चले कोर्ट में जाकर के वगैरह को डील करे उसके बाद है रूल 137। रूल 137 कहता है एन एडवोकेट शेल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी पार्टी रिप्रेजेंटेटेड बाय एन एडवोकेट अब दो पार्टीज का केस चल रहा है एक पार्टी का एडवोकेट दूसरी ओपोजिंग पार्टीज के साथ किसी भी किस्म की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता रिगार्डिंग दी मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, जिसके चीज से मुतालिक उनके दरमियान कंट्रोवर्सी है उनके दरमियान डिस्प्यूट है जिसके ऊपर वो केस लेकर आए हैं दूसरे एडवोकेट की एबसेंस में उसकी पार्टी के साथ आप किसी भी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं कर सकते और ना ही उसकी एब्सेंस में और ना ही उसके कॉन्सेंट के बगैर आप उसकी पार्टी से कोई बात कर सकते हैं रूल 137 के अकॉर्डिंग उसके बाद आता है रूल 138 रूल 138 कहता है एन एडवोकेट शेल नॉट इन दी एब्सेंस ऑफ ओपोजिंग कौंसिल कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर अ जज और ज्यूडिशियल ऑफिसर कि एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट की एब्सेंस में अपने अपोजिंग काउंसिल की एब्सेंस में आप पर्सनली जज के सामने जाकर उस केस से रिलेटेड किसी भी किस्म के आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन एन ओपन कोर्ट स्वाय ओपन कोर्ट के साथ ही साथ रूल 138 थर्टी एट ये भी कहता है की अगर आप कोर्ट के अंदर किसी किस्म का कोई एविडेंस दे रहे हो कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आपने उस एविडेंस की उस डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने अपोजिंग कौंसिल को प्रोवाइड करनी है मीन्स टू से अगर आपने कोर्ट में किसी किस्म का कोई एविडेंस देना है तो उससे पहले आपने इस एविडेंस की कॉपी अपने अपोजिंग कौंसिल को प्रोवाइड करनी है

केस आया एक क्लाइंट अपना केस लेकर आया और अब अब वो चाहता है कि वो इस केस में किसी दूसरे एडवोकेट की राय ले वो किसी दूसरे एडवोकेट को हायर करना चाहता है तो ऐसी सूरत में ये उस क्लाइंट का हक है आप उसको इस राइट right से डिप्राइव नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा केस मेरे पास है तो मैं ही लड़ूंगा ये टोटली totally क्लाइंट का राइट right है कि अगर वो चाहे तो वो अपना लॉयर चेंज कर सकता है इसमें एक एडवोकेट कुछ भी नहीं बोलेगा फिर साथ ही साथ रूल वन थर्टी नाइन कहता है एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज अ कोलीग अनलेस द ड्यूज ऑफ एडवोकेट फर्स्ट रिटेन आर पेड लेकिन अगर एक बंदा किसी दूसरे एडवोकेट के पास जा रहा है तो दूसरे एडवोकेट की यह जिम्मेदारी है कि वो उससे पहले पूछे कि क्या तुमने अपने पहले वाले एडवोकेट के ड्यूज वगैरह क्लियर कर दिए हैं, उसकी फी वगैरह पे कर दी है अगर उसने फी पे नहीं की तो आप उसे कहोगे कि पहले जाओ और अपने एडवोकेट की फी पे करो और आप ऐसे उसकी असिस्टेंस से डिक्लाइन कर सकते हो उसके बाद है रूल वन फोर्टी रूल वन फोर्टी कहता है क्लाइंट्स आर दी लिटिगेंट्स नॉट एडवोकेट्स कि क्लाइंट्स जो हैं वो लिटिगेंट्स हैं एडवोकेट्स नहीं है झगड़ा क्लाइंट्स के दरमियान है दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूटराइज हुआ है एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिहाजा अगर क्लाइंट्स के दरमियान किसी भी किस्म का कोई झगड़ा है तो इससे एडवोकेट के कंडक्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होना चाहिए एडवोकेट्स अपने दरमियान के जितने भी पर्सनल क्लैशेस हैं उनको अवॉइड करेंगे और सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हुए उनके केसेस को डील करेंगे अपने पर्सनल क्लैशेस को बिल्कुल साइड पर रखते हुए अगर वो अपने पर्सनल क्लैश की वजह से उस क्लाइंट के केस में किसी किस्म का कोई डिले कर रहे हैं तो इस चीज को स्ट्रिक्टली एवॉइड किया जाना चाहिए एज पर रूल वन उसके बाद आ जाता है रूल वन रूल 141 क्या कहता है नो डिविजन ऑफ फी विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज इज प्रॉपर अब ये जो वर्ड प्रॉपर है ये आपने याद रखना है क्योंकि गेट के अंदर इस रूल से एक ब्लैंक आ सकती है कि डिविजन ऑफ द फी विथ अदर पर्सन प्रॉपर है एक्सेप्टेबल है क्या है सो आपको याद होना चाहिए कि यहां पर वर्ड प्रॉपर है Except with another advocate based upon the principle of division of the work वर्क expressed in the agreement between advocate. अब इस रूल में ये कहा गया है कि वैसे तो आपने आपस में फी डिवाइड नहीं करनी लेकिन अगर उन एडवोकेट के दरमियान पहले से कोई एग्रीमेंट हुआ है तो फिर आप आपस में फी डिवाइड कर सकते हो नेक्स्ट है रूल 142। रूल 142 कहता है इट इज ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू मेंटेन एंड अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ़ प्रेसिडेंस इन अकॉर्डेंस विद द रोल ऑफ एडवोकेट बाय बार कि एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स को मेंटेन रखेगा ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट से मुराद क्या है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सीनियोरिटी है कि अब एडवोकेट के अंदर कौन सा बंदा सीनियर है कौन सा बंदा जूनियर जूनियर है इसको कहाँ से डिटरमिन किया जाता है सीनियोरिटी को सीनियोरिटी को डिटरमिन किया जा किया जाता है कि कब आपकी इनरोलमेंट हुई थी इस बार कौंसिल के अंदर अगर आपकी एनरोलमेंट एक दिन पहले भी हुई है तो वो बंदा सीनियर होगा जिसकी एनरोलमेंट पहले हुई है और वो जूनियर होगा जिसकी एनरोलमेंट बाद में हुई है तो आपने हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है ऑल दो वो आपसे एज में जूनियर है लेकिन चूंकि वो पहले एनरोल हुआ है उसका लाइसेंस पहले आया है लिहाजा अब वो आपसे इस प्रोफेशन में सीनियर है सो यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स यूर सीनियर्स उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 143 जो कि इसी से रिलेटेड है रूल 143 कहता है जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स कि जो जूनियर हैं जो बाद में एनरोल्ड हुए हैं उनको हमेशा अपने सीनियर्स की तरफ कैसा एटीट्यूड रखना है रिस्पेक्टफुल यानी कि उनको हमेशा अपने सीनियर्स की अपने एल्डर मेंबर्स की इज्जत करनी है और इसी तरह जो सीनियर मेंबर्स हैं दे शुड नॉट ओनली बी कर्टियस बट आल्सो हेल्पफुल टू देयर जूनियर्स एंड यंगर एक्टा बार सीनियर मेंबर्स को इसी तरह अपने जूनियर्स की तरफ ना सिर्फ टिसी रखनी है शाइतगी से उनसे नरमी से पोलाइटली उनसे बात करनी है बल्कि साथ ही साथ उनकी तरफ हेल्पफुल भी होना है उनकी मदद भी करनी है अगर कहीं पर किसी जूनियर को कोई मुश्किल पेश आ रही है तो सीनियर का काम बनता है कि वो उस जूनियर की हेल्प करेगा ना ना कि वो ये कहे कि मैं तो सीनियर हूं मैं इसकी को, इसको क्यों कुछ बताऊंगा ये तो मुझसे जूनियर है ऐसा नहीं करना बल्कि आपने उनकी तरफ हेल्पफुल एटीट्यूड रखना है लास्ट इज रूल नंबर वन इज़ फोर ऑन वन साइड, इट इज़ द राइट ऑफ सीनियर मेंबर टू लीड द केस एंड जूनियर मेंबर शुड असिस्ट हिम सीनियर सो वॉन्ट जब एक केस के अंदर एक से ज्यादा एडवोकेट किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सीनियर का ये राइट है कि वो केस को लीड करेगा और जो उसका जूनियर मेंबर है वो उसको असिस्ट करेगा अगर तो सीनियर कहे कि जूनियर मेंबर केस को लीड कर सकता है तो तब वो जूनियर केस को लीड करेगा अदरवाइज जनरल रूल ये है कि सीनियर केस को लीड करेगा और जूनियर उसको हेल्प करेगा उसको असिस्ट करेगा सो so ये थी हमारी आज की डिस्कशन कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड्स अदर एडवोकेट रूल वन से थर्टी फोर रूल वन फोर्टी फोर तक नेक्स्ट वीडियो में हम हाँ डिस्कस करेंगे सो दैट वॉज दी होल डिस्कशन लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस